हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स कैसे हैं आप सब आज का टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस ही टॉपिक है बहुत सिंपल जो बच्चे क्लास टू इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं बट आप उसको कैसे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कैसे उनको सिखा रहे हैं समझा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा समझेंगे और कितना लॉन्ग याद रखेंगे स्पेशली अनकाउंटेबल नाउंस की जो भी आप एग्ज़ैम्पल्स देंगी वो एग्ज़ाम्पल्स उनको याद रहने चाहिए सो टॉपिक सिंपल है नेम से पता चल जाता है काउंटेबल यानी जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो वो है काउंटेबल नाउन और जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते वो है अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम्पल से ही पहले स्टार्ट करते हैं सी यहाँ पे एक शुगर बॉक्स है मेरे पास शुगर की जार है इसमें ये जो शुगर है क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं नहीं यानी क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स होते हैं इसको आप अलग नहीं कर सकते और आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो दिस इज़ लाइक अ अनकाउंटेबल नाउन इसी तरह से पानी पानी जो है वो भी एक नाउन है बट क्या आप इसको बिना ग्लास के यानी अगर फ्लोर पे थोड़ा सा पानी पड़ा है तो क्या आप उसको काउंट कर पाओगे नहीं तो दिस इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन सो जो अनकाउंटेबल होती हैं हमेशा किसी चीज़ में रख कर काउंट की जाती हैं जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर वाटर इज़ अनकाउंटेबल बट जब आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास यूज होता है इसको मेजर करने में काउंट करने में तो अ ग्लास ऑफ वाटर इसी तरह से अ स्पून ऑफ शुगर या फिर अ बोल ऑफ शुगर तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल्स होती हैं अनकाउंटेबल नाउन की कमिंग टू काउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन्स तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जैसे कि स्पून है ये स्केच मार्क है तो अगर आप इस तरह की कुछ स्केच मार्क्स बच्चे के सामने रखेंगे तो यू कैन काउंट देम वन टू थ्री फोर तो दिस इज़ काउंटेबल नाउन तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो या सिंगुलर होते हैं यानी स्केच भी हो सकता है स्केचेस भी हो सकते हैं वन स्केच फोर स्केचेस यानी सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है और और उसके आगे नंबर्स भी लगते हैं वन स्केच टू स्केचेस थ्री स्केचेस वेर एज अनकाउंटेबल नाउन के आगे नंबर uh, नहीं आते और वो कभी भी प्लूरल नहीं होता हमेशा सिंगुलर होता है जैसे कि शुगर कभी भी शुगर्स नहीं होता वाटर water, वाटर्स नहीं होता तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करना है समझाना तो ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में बच्चे को समझानी है कि काउंटेबल नाउन्स जो है वो हमेशा सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं बट अनकाउंटेबल हमेशा ओनली सिंगुलर होता है यहाँ पे एग्जाम्पल है सी जो काउंटेबल नाउम्स हैं वो सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं अब अ बनाना अब टू बनानास अ डॉग, थ्री डॉग्स, मोर देन वन प्लूरल फॉर्म अ बुक, थ्री बुक्स इसी तरह से जो अनकाउंटेबल नाउनस होते हैं वो प्लूरल फॉर्म नहीं लेते कभी भी नहीं लेते एग्जाम्पल्स यहाँ पे कॉमनली यूज एग्जाम्पल्स ये सारी एग्जाम्पल्स बच्चे को याद होनी चाहिए सो so, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे, इसमें क्लियरली मैंशनड है नो प्लूरल फॉर्म वाटर वाटर्स कभी नहीं होता हनी हनी होता है प्लूरल फॉर्म हनी नहीं लिखते इसी तरह से ब्रेड राइस चीज़ मिल्क जूस सूप तो ये जो कॉमनली यूज अनकाउंटेबल नाउन्स है जो बच्चे रेगुलरली सुनते रहते हैं ये एग्जाम्पल्स आप उनको देकर ये टॉपिक समझा सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में और जैसे मैंने कहा इन सारी जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ये सारी अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करने के लिए हमेशा एक मेजरमेंट वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि यहाँ पे है अ कप ऑफ अ ग्लास ऑफ अ स्लाइस ऑफ अ पीस ऑफ इस तरह से अगर आप चाय की बात करेंगे तो आप कहेंगे अ कप ऑफ टी अ ग्लास ऑफ जूस इस तरह से तो ये मेजरमेंट वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे जब आप उनको काउंट करना चाहते हैं तो सेंटेंस में जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है तो ये चीज़ें बच्चे देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम मेजरमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं और फ्लूरल फॉर्म नहीं है तो आप उसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन मेजरमेंट वर्ड्स की इस बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स है एज यू कैन सी हियर सी वी यूज दीज वर्ड्स दीज वर्ड्स यानी ये जो मेजरमेंट वर्ड्स है जो रेड कलर में यहाँ पे स्पेसिफाइड है वी यूज दीज वर्ड्स विथ नाउम्स डेट वी कैन नॉट काउंट जो आप काउंट नहीं कर पाते सो अ कप ऑफ टी अ ग्लास ऑफ वाटर अ बैग ऑफ राइस अ लोफ ऑफ ब्रेड अ बाउल ऑफ शुगर अ बॉटल ऑफ वाटर इन एग्जाम्पल्स की तरह ही और बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जिसको आप टच नहीं कर सकते ऐसे वर्ड्स फीलिंग्स वर्ड ले वर्ड्स जैसे कि फ्रेंडशिप है लव है फन है, हैप्पीनेस है तो इन वर्ड्स को भी आप मेजर नहीं कर पाते दे आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन्न के अलावा नेचर रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि रेन वेदर या थंडर ये वर्ड्स भी अनकाउंटेबल होते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन्स की आप इतनी एग्जाम्पल्स दीजिए ये काफ़ी है बच्चे को याद रखना चाहिए और मेजरमेंट वर्ड की बेसिस पे वो अनकाउंटेबल नाउन को पहचान सकते हैं इन अ सेंटेंस सो ये था आज का वीडियो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बस याद रखनी है कि काउंटेबल सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है इसके आगे नंबर भी लग सकता है ए एप्पल सॉरी एन एप्पल टू एप्पल्स या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे नंबर नहीं लगता और ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं नो वाटर्स नो हनीस नो मिल्क इट इज़ ऑलवेज वाटर हनी एंड मिल्क ओनली सो so, ये था आज का वीडियो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल्पुलेयर लगा, लगा, तो करे, करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हैप्पी फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स पेरेंटिंग फ्रॉम स्पलेंडेड मॉम्स गिवज थीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट दोटिफिकेशन ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियो